हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट रघु आपको आज एक ऐसे डीलरशिप के पास लेके आया हूँ जो बहुत ही फेमस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और अपने सर्विस को लेके। इस सर्विस सेंटर का नाम है ग्रेविटी वर्कशॉप। हालांकि रायपुर छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारे सर्विस सेंटर हैं, मगर उन सभी सर्विस सेंटरों में से ये ग्रेविटी वर्कशॉप जो है बहुत ही फेमस है। तो चलिए आज इसके मालिक से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ और जानते हैं कि ये क्या क्या सुविधाएँ ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटी वर्कशॉप आप कैसे आ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन। ये जो सामने जो रोड देख सकते हैं आप, ये जो है एम्स निकलता है और मेरे ठीक अपोजिट साइड वो है सर्वर पोर्टिको जो है हीरापुर की तरफ जाता है। तो उसके ठीक बीच में अपना ग्रेविटी वर्कशॉप पड़ता है, जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं ग्रेविटी वर्कशॉप का आपको बोर्ड दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप ग्रेविटी वर्कशॉप पहुंच सकते हैं और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका लोकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रेविटी वर्कशॉप के मालिक से आपको मिलाऊंगा, तो आज हम मुलाकात करते हैं पीयूष देवांगन जी से जो ग्रेविटी वर्कशॉप के मालिक हैं और इनसे जानेंगे कि ये ग्राहकों को क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। तो पीयूष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप हमारे ग्राहकों को बताइएगा कि आप कस्टमर को क्या क्या सुविधाएं देते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि आप कस्टमर को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं वर्कशॉप ग्रेविटी वर्कशॉप में। ग्रेविटी अपने आप में एक चेन है आपका, इसमें तीन सेगमेंट पे वर्क होता है हमारा। जैसे पहला सेगमेंट हमारा टूर एंड ट्रेवल्स का है, दूसरा सेगमेंट अपना सेल परचेज का और तीसरा सबसे मेन सेगमेंट है हमारा वर्कशॉप का। सबसे पहले ट्रेवल्स की बात करें तो ट्रेवल्स में हम छोटी बड़ी सारे प्रकार की गाड़ी रेंट आउट देते हैं। इसके अलावा ड्राइवरलेस कार की फैसिलिटी भी स्टार्ट किया हमने। सेकंड है अपना सेल एंड परचेस का, तो सेल एंड परचेस में हम सारी गाड़ियाँ जैसे छोटे से लेके बड़ी हैचबैक सेडान एसयूवी सारे सेगमेंट की जितने भी कार हैं सब कार को खरीदते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसे रिफर्बिश करके उसे सेल आउट करते हैं। अच्छा। अब थर्ड हमारा काम आता है वर्कशॉप का। तो वर्कशॉप में हम हर वो काम करते हैं जो काम आपको शोरूम में अवेलेबल होता है, जिसमें आपको डेंटिंग पेंटिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इंश्योरेंस क्लेम, और उसके अलावा एक काम एक्स्ट्रापन करते हैं कस्टमाइजेशन का जो शायद शोरूम में अवेलेबल नहीं है, हम इसे अवेलेबल करा के देते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि कस्टमाइजेशन होता क्या है, ग्राहकों को विस्तार से बताइए ताकि कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। मॉडिफिकेशन पहले हम सुना करते थे कि मॉडिफिकेशन ये हुआ वो हुआ। मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि हम कोई चीज़ में चेंज लेके आते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसे अपन उसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। लेकिन कस्टमाइजेशन में जैसे कि मेरे हिसाब से मेरे अनुरूप मेरे सुविधा अनुसार मैं कुछ चीज़ें बदलाव करता हूँ उसे हम कहते हैं कस्टमाइजेशन। जैसे कि मैंने ये गाड़ी बनाई है कलर के हिसाब से, मेरी सारी की सारी चीज़ें डिटेल इसमें डली हुई है, तो ये मेरी कस्टमाइज कार है। मॉडिफाइड होती जो किसी ने अपने अकॉर्डिंगली उसके बदलाव किया होता। तो पीयूष जी मेरा आपसे अगला जो क्वेश्चन है यही रहेगा कि जो फ्री पिकअप एंड ड्रॉप जो सुविधा आप कस्टमर को दे रहे हैं वो क्या होता है। फ्री पिकअप एंड ड्रॉप एक बेसिकली फंक्शन ये है कि आप जैसे गाड़ी हमारे पास में फ़ोन किया आपने कि गाड़ी आपको सर्विस करानी है, चाहे आप घर पे रहें चाहे ऑफिस में रहें या किसी काम से निकलें, हम आपकी कार पिक करेंगे उस टाइम पे और उसे सर्विस करके उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ बताएंगे वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास में एम्स के हॉस्पिटल के डॉक्टर का फ़ोन आता है जो सुबह 10 बजे जॉब ज्वाइन करता है। वो चाहते हैं अपनी गाड़ी का जनरल सर्विस, ऑयल चेंज, जो भी बेसिक आइटम चेंज कराना है उसके शाम के घर जाते तक वो चीज़ें कंप्लीट हो जाए। तो हम उनकी गाड़ी पिक करवाते हैं, शाम को रेडी करवाते हैं, उन्हें ड्रॉप करवाते हैं। अब सोचिए एक जो खाली आइडल स्टेट का समय था उनके कार का, उस समय पे वो गाड़ी पूरी सर्विस हो गई है। तो इसमें एक और मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि जो ड्राइवरलेस कार जो सुविधा आप ग्राहकों को दे रहे हैं तो क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि अभी जूम आपने सुना होगा, जूम कार जो फैसिलिटी आपके पास में आई थी वैसे कुछ मैंने इनिशिएटिव लिए हैं, हमारा फर्स्ट टाइम है, हम स्टार्टअप के तौर पर दे रहे हैं। जैसे कि आपके पास में एक लोकल है, आप रायपुर से नहीं है, बाहर से आपके पास बाहर कार होगी, रायपुर में आपके कार नहीं है, तो आप हम सब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस गाड़ी में हम फुल फिलअप करा के आपको गाड़ी अवेलेबल कराते हैं और फिर आपको सर्विसेज रिवील होती है। जैसे कि कोई ग्राहक आपके पास से सर्विसिंग करवा लेता है उसके बाद पेमेंट के लिए उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, मतलब वो जो ग्राहक है आपको पेमेंट कैसे करेगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। स्टार्टिंग से बताता हूँ इसे मैं, हमारे यहाँ जॉब कार्ड फैसिलिटी होती है, हर एक यूनिक नंबर का जॉब कार्ड इंश्योर्ड होता है। जैसे कि आप अगर बिजी हैं, अगर आपको कोई ड्राइवर आते हैं हमारे पास में कार छोड़ने के लिए, तो चांसेस बनते हैं कि ड्राइवर हमें कहे कि भैया कुछ पैसे बढ़ा दो और फिर आप उसे मेकअप कर लेना, बट हमारे यहाँ चांसेस होने के बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि जैसे ही गाड़ी आती है हमारे पास में आपको नोटिफिकेशन मिलता है हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू कि आपकी गाड़ी रीच हो गई है, एक एस्टिमेट जनरेट होता है गाड़ी में आपका एक्चुअल कितना काम होना है, एक रेडी बिल बनता है जो आपके पास में ऑटोमेटिकली चले जाएगा बिना किसी को पूछे कि भैया कि ड्राइवर को इतना देना है कि क्या देना है, एक्चुअल बिल आपके पास में पहुँच जाएगा।
तो उस मेथड में आपको पूरा नोटिफाई हो जाता है, कंप्लीट बिल का डिटेल, उसको आप या तो अकाउंट के थ्रू पे कर सकते हैं या कैश पे कर सकते हैं, जो भी आपको जैसे सुविधा महसूस हो उस बेसिस पे आप पेमेंट कर सकते हैं उसको। मतलब ग्राहक को जैसी सुविधा आए वैसे आपको पेमेंट कर। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि बाकी वर्कशॉप से आपके वर्कशॉप में क्या खास बात है जो ग्राहक आपके पास आते हैं? मेरे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का काम पेंट बूथ का है। हमारे वर्कशॉप आसपास के जितने भी वर्कशॉप है वहाँ पे पेंट बूथ नहीं है। हमने फोनिक्स एलजी का पेंट बूथ जब से लगाया है तब से आसपास की जितनी जगह का हमारे पास पूरा का टोटल काम आ रहा है। अभी जैसे उस तरफ जाएंगे अपन तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पेंट बूथ में वर्क कैसे होता है और हम एक काम कर रहे हैं उसे भी मैं शो कराऊंगा। ये अगर कोई वीडियो देख के आ रहा है, मतलब कोई व्यूअर, मतलब मेरा यूट्यूब व्यूअर अगर ये वीडियो देख के आ रहा है तो उसके लिए आप क्या बेनिफिट या सुविधा आप उपलब्ध कराएंगे? हम इसे जनरल चेकअप 100% फ्री कर सकते हैं, प्लस उस समय जो स्कीम चलेगा उस स्कीम में अपन 5% इंक्रीमेंट करके उसे रिडीम करेंगे ऑफर। जैसे कि डेंटिंग पेंटिंग का अगर ऑफर चल रहा है, अगर समझ 7% का ऑफर चल रहा है तो उसे 12% उसे रिडीम करके देंगे 5% प्लस में। ओके। और मैंने आपके पेंट बूथ का काफ़ी नाम सुना है, यहाँ पे जो कस्टमर हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, MP और झारखंड से लोग आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपके पेंट बूथ में क्या स्पेशल है, आप हमको दिखा सकते हैं क्या इस? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी। जैसे कि हम लोग डेंटिंग और पेंटिंग बूथ के पास आ चुके हैं, यहाँ पे हमारे पीयू जी बताएंगे कि इस डेंट और पेंट बूथ में क्या स्पेशल है, हमारे ग्राहकों को बताएंगे। तो बताइए पीयू जी कि इसमें क्या खास बात है? आप देख सकते हैं कि फोनिक्स एलजी का हमारे पास में पेंट बूथ लगा हुआ है। ये स्पेशली आपका फॉल्क्सवैगन और महिंद्रा या मारुति के शोरूम में ऐसा पेंट बूथ फिट होता है। इसके अंदर पूरी प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अंदर में एक माइक्रा गाड़ी फुल पेंट हो रही है, तो अपन अंदर चल के देखते हैं कि पेंट का प्रोसेस क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। हम पेंट करने के लास्ट स्टेज पे है। इससे पहले का जो प्रोसेस होता है मैं दूसरी कार में दिखाऊंगा कि फर्स्ट प्रोसेस होता क्या है। ये लास्ट एंड प्रोसेस में पहुंच चुका गाड़ी, जिसमें सर्फेसर पड़ चुका है कम्प्लीटली। इसके बाद में कलरिंग होगा टेपिंग के बाद में, एंड लास्ट में से क्लियर मार के बाहर निकाला जाएगा। हाँ जी, जैसे आप देख सकते हैं सबसे एक्सपीरियंस रायपुर में मोहन जी, जो फोल्क्सवैगन में भी काम कर चुके हैं, महिंद्रा शोरूम में भी काम कर चुके हैं, मेरे उमर जी तक का एक्सपीरियंस है काम करने का, वो भी काम फाइनल कर रहे हैं अपना टेपिंग का काम। या कोई भी गाड़ी पेंट करने से पहले कंप्लीट टेपिंग करते हैं ताकि जहाँ पे कलर ना पड़े, जो ग्लास है, पैनल से, सेक्शन से, वहाँ पे कलर ना हो करके से पहले कंप्लीटली टेपिंग करते हैं। ओके। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे पेंटिंग होता है, किस प्रोसेस से पेंटिंग होता है। ये उनका पेंट बूथ है, इसके अंदर पे गाड़ियाँ जो है पेंट की जाती है। खास बात और है कि इस पे आपका परछाई नहीं बनती, जब भी अपन कलर करते हैं तो हमको एक इवननेस मिलता है। यहाँ पे आप कहीं डायरेक्शन में जाते हैं, कहीं भी खड़े होते हैं पीछे लाइट रहती है, जब आप कलर करते हैं तो आपकी परछाई से शायद कलर का अंदाजा ना हो पाए, बट इसके ऐसे एंगल में लाइट लगे हुए हैं जिससे आपके यहाँ पे परछाई नहीं बनेगी। एक फिक्स टेम्परेचर होता है यहाँ पे आपका कलर करने के लिए। आप ऊपर ब्लोअर देख सकते हैं जिससे एयर आता है, हॉट एयर आता है, और नीचे से एग्जिट होके बाहर चले जाता है पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झारखंड की गाड़ी खड़ी हुई है, मेरे को नंबर प्लेट दिख रहा है यहाँ से JH05AQ। क्यों पीयू जी, ये झारखंड की गाड़ी है ना? बिल्कुल झारखंड की गाड़ी है। आइए मैं दिखाता हूँ गाड़ी हमारे पास में कैसी आती है और फिर हम उसे फुल पेंट में क्या प्रोसेस में लेके आते हैं। और सबसे पहला प्रोसेस हमारा होता क्या है डेंटिंग का। आइए, गाड़ी में प्रोसेस हो रहा है। रिट्स है मारुति की, ये आपका पेट्रोल मॉडल है, इसी ये गाड़ी हमारी फुल पेंट का है। जैसे कि ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं कि हमने इसमें मार्क किया हुआ डेंटिंग का, तो ये गाड़ी का पूरा डेंटिंग होगा। पहले ये पहला स्टेट होगा, जैसे कि ओपनिंग का भी काम किया हमने, इसका मिरर ओपन होगा। अब जब देख सकते हैं कि विकल्प भी हमारे डेंटिंग कर रहे हैं पैनल का। ये पूरी गाड़ी आपको मैं घुमा के दिखाऊंगा कि गाड़ी में प्रोसेस स्टार्टिंग का होता क्या है। ये डेंट का पार्ट है, आप पीछे आ सकते हैं, ये पीछे भी गाड़ी आपकी डेंट हुई हुई है। अच्छा, मतलब आप जो है जितना जो डेंट हुए रहता है वहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें क्या हमको आसान हो जाता है बताने में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ या कोई प्रेजेंस नहीं है तो डेंटर भी है पेंटर भी अपने हिसाब से देख के काम फर्दर प्रोसेस करा सकते हैं। अच्छा। पीछे एक मेजर डैमेज आपका बम्पर एंड डिक्की पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके क्वार्टर पैनल और दरवाजे में भी काफी पुराना रस्टिंग है। अभी आ गया सामने के कुछ पैनल, आपके बम्पर वम्पर भी इसके खराब है, तो उसके हम कम्प्लीट पेंट करेंगे। टोटल गाड़ी पूरी पेंट होगी, सबसे पहले उसका डेंटिंग का प्रोसेस होगा, फिर पेंटिंग ना आधे फॉरवर्ड जाएगा, जिसके आपने माइक्रा को देखा अभी पेंट बूथ के अंदर में। जैसे कि आपको दिखा दूँ, ये हमारा लेफ्ट का बे है। आपके देखिए हम जनरल सर्विस से क्लाल लेते हैं तो ऑयल चेंज करना है या गियरबॉक्स उतारना है या जो भी काम करना है मेजर, जो भी इंजन को भी डाउन करना, तो अपन इस सेक्शन में ला के लेफ्ट की तरफ से गाड़ी को ऊपर करते हैं और गाड़ी का पूरे नीचे का काम करके रेडी करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन की कार है हमारे पास में, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की कार है, इसमें इंजन का वर्क है।
हम इस काम को 8 से 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। इसको हम खोल के देखेंगे इसमें क्या क्या फॉल्ट है, अगर हेड गैस्केट डालने से अगर हो जाता तो हेड गैस्केट डालेंगे, या जो भी फर्दर इसमें काम आता है खोलने के बाद इंटीमेट करने के बाद में कंप्लीट करके देंगे इस कार को। दोस्तों देख सकते हैं अभी बारिश हो रही है, इतने बारिश में आप लोगों के लिए मैं मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक तो बनता है इस वीडियो को। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास में इनोवा ओल्ड मॉडल आई थी 2007 मॉडल, जिसको हमारे पास में काम मिल रहा है रिस्टोरेशन का, कस्टमाइजेशन का। जो चाहता था कस्टमर कि इसके ग्रिल चेंज हो जाए, इसके बम्पर नए मॉडल के लग जाए, इसके हेडलाइट नए मॉडल के लग जाए, इसके टेल लैंप नए मॉडल के लग जाए, हमने सारे के सारे फीचर्स एक गाड़ी में डालने की पूरे का पूरा कोशिश किया हुआ है। ये गाड़ी अभी रेडी है डिलीवर के लिए, हो सकता है कल नहीं तो आज शाम को इस गाड़ी को हम डिलीवर करें। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस क्लेम कवर का आपको दिखाना चाहूँगा, रेनॉल्ट की स्केला है ये, सामने से पूरी एक्सीडेंट हो चुकी है और इससे हम इंश्योरेंस क्लेम में ले रहे हैं इसे, तो इसका अप्रूवल के लिए गया हुआ है इंश्योरेंस ऑफिस में, वहाँ से आने के बाद में अपन इस पर वर्क करना चालू करेंगे। इस पर आप देख सकते हैं कार भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज, इसके बैटरी वैटरी सारी चीज़ फूट चुके हैं, ये सारी चीज़ क्लेम में अपन ने लिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे कस्टमाइजेशन का वर्क चल रहा है, ये मार्शल 1999 मॉडल है, इसे अपन कन्वर्ट करें निशान 110 पे, आप गूगल में सर्च करेंगे समथिंग ऐसा मॉडल आपको दिखेगा जिसको हम कन्वर्जन करना चाह रहे हैं अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी टीम पूरी की पूरी मेरे साथ है, मतलब ग्रेविटी वर्कशॉप की एक स्ट्रेंथ वाली टीम जो हर पॉसिबल मोमेंट पे मेरे साथ खड़ी है हर वो काम करने के लिए। यहाँ से देख सकते हैं हमारे सबसे पहले मनोज भी आए हैं जो कि मैनेजर हैं हमारे, मतलब कि 14-15 साल पुराने हमसे काम कर रहे हैं, साथ में सर्विस एडवाइज़र देवा जी हैं, साथ में MTS जो मल्टी टास्किंग स्टाफ बोल सकते हैं विनोद जो सारा काम कर सकता है, उसके साथ में है श्रीवास्तव जो अपना अकाउंटेंट का काम प्लस वर्कशॉप के अंदर का सारा काम देख सकते हैं, और यहाँ पे पूरे ग्रुप में हैं जो पीपल 5 पीपल पूरा मैकेनिकल के हैं, ये 3 पीपल जो हैं वॉशिंग के हैं, और स्ट्रेंथ वाले काम आपका डेंटिंग पेंटिंग का स्टाफ 3 है, ये पूरी टीम हमारी है जो साथ में एक साथ काम करती है। दोस्तों होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, और जो मेरे चैनल में पुराने हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।